डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर पढ़ेंगे विपणित दूध। दूध का ही नेक्स्ट टाइप है विपणित दूध। क्या होता है विपणित दूध? टॉपिक चलेगा अपना विपणित दूध। विपणित दूध का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? कि विपणित दूध से अभिप्राय पूर्ण प्रसंस्कृत ताजा एवं सुरक्षित दूध से होता है। विपणित दूध से अभिप्राय क्या है? पूर्ण प्रसंस्कृत ताजा सुरक्षित दूध से होता है, जिसमें व्यक्ति उपभोक्ता को विपणित दूध के अंदर कौन सा दूध शामिल किया जाता है? उस दूध को शामिल किया जाता है जिसमें व्यक्ति उपभोक्ता को उपभोग हेतु बाजार में क्रय खरीदने के लिए भेजा जाता है। यानी बाजार विपणित दूध से अभिप्राय पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित दूध से होता है, जो व्यक्ति उपभोक्ता को सीधे उपभोग हेतु बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यानी जो व्यक्ति उपभोक्ता है उसको उपभोग करना है तो वो कहाँ पे क्रय कराया जाएगा? उसे बाजार के अंदर खरीदा जाएगा। इसमें वो दूध शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें उस दूध को शामिल नहीं किया जाएगा जिसमें उत्पादक द्वारा उपभोग हेतु अपने परिवार के लिए रख लिया जाता है। जैसे कि अपन भाई उत्पादक प्रोड्यूसर अपन खुद है, परिवार के अंदर जो खाने पीने के लिए जो दूध रख लिया जाता है उस दूध को इस विपणित दूध की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाता। यानी मार्केट के अंदर जो दूध अवेलेबल होगा वो दूध कहलाएगा आपका विपणित दूध। यानी विपणित दूध से अभिप्राय पूर्ण सुरक्षित ताजा प्रसंस्कृत दूध से होता है, जो व्यक्ति उपभोक्ता को उपभोग हेतु सीधे बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें उस दूध को शामिल नहीं किया जाता है जो उत्पादक द्वारा अपने परिवार के लिए रख दिया जाता है। इस प्रकार का जो दूध है वो कहलाता है आपका विपणित दूध। यानी विपणित दूध में यानी पूर्ण दोहन के बाद यानी ब्याले के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद का जो शराब है, दूध का जो शराब है, उस दूध को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये कहलाता है आपका विपणित दूध। क्या बताया यहां से विपणित दूध में? विपणित दूध से अभिप्राय विपणित दूध से अभिप्राय विपणित दूध से अभिप्राय पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित दूध से विपणित दूध से अभिप्राय पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित दूध से है, जो व्यक्ति उपभोक्ता को उपभोग हेतु बाजार में क्रय को ना खरीदने के लिए, क्रय का मतलब यहां पे क्या है? खरीदने के लिए, क्रय के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता है भाई। बाजार में उत्पाद उपभोग हेतु व्यक्ति उपभोक्ता है उसको उपभोग करना है तो वो जो दूध है बाजार में खरीदते हैं, इस प्रकार का जो दूध है वो क्या कहलाता है? विपणित। लेकिन ध्यान क्या रखना है? लेकिन इसमें उस दूध को शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है जो उत्पादक द्वारा अपने उत्पादक द्वारा उपभोग हेतु
अपने परिवार के लिए रख लिया जाता है। विपणित दूध से अभिप्राय पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित दूध से जो व्यक्ति उपभोक्ता को उपभोग हेतु बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसमें उस दूध को शामिल नहीं किया जाता है जो उत्पादक द्वारा उपभोग हेतु अपने परिवार के लिए रख लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर जो दूध मार्केट के अंदर खरीदते हैं व्यक्ति उपभोक्ता को उपभोग हेतु जो दूध मार्केट में अवेलेबल होगा वो कहलाएगा विपणित दूध। इसमें विपणित दूध के अंदर वो दूध शामिल नहीं होगा जो उत्पादक द्वारा अपने परिवार के लिए खाने पीने के लिए जो रख लिया जाता है। इसमें दूध दोहन के यानी ब्याने के 15 दिन पहले एवं 5 दिन का जो के बाद का जो दूध का जो शराब है वो शामिल नहीं किया जाता। इसमें ब्याने के 15 दिन पहले वे 5 दिन बाद के दूध का शराब शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस प्रकार का जो दूध इस प्रकार का दूध विपणित दूध कहलाता है। इस प्रकार का जो दूध है वो क्या कहलाता है? विपणित दूध कहलाता है। यानी विपणित दूध से अभिप्राय पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित दूध से जो व्यक्ति उपभोक्ता हेतु बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसमें उस दूध को शामिल नहीं किया जाता है जो उपभोग हेतु परिवार के लिए रख लिया जाता है। इसमें ब्याने के 15 दिन पहले और 5 दिन के बाद का जो दूध का जो शराब है वो शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार का दूध है वो क्या कहलाता है? विपणित दूध। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं संपूर्ण दूध। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं संपूर्ण वह दूध जिसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण दूध कहा जाता है। वह दूध जिसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है उसे संपूर्ण दूध कहा जाता है। संपूर्ण दूध कहा जाता है। इसके अंतर्गत गाय के दूध में वसा 3.5% वसा रहित ठोस पदार्थ 8.5% भैंस के दूध में वसा 6.07% वे वसा रहित ठोस पदार्थ 9.0% होने चाहिए। इस प्रकार का जो दूध है वो क्या कहलाता है? आपका संपूर्ण दूध कहलाता। तो ये है आपका संपूर्ण दूध। यानी कि वह दूध जिसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण दूध। इसके अंतर्गत गाय के दूध में वसा कितनी होनी चाहिए? 3.5% और वसा रहित ठोस पदार्थ कितने होने चाहिए? 8%। भैंस के दूध में वसा कितनी होनी चाहिए? 6.07 और वसा रहित जो ठोस पदार्थ कितने होने चाहिए? 9.0%। तो डियर स्टूडेंट आज के दिवस इतना ही काफी।